एक बार फिर स्वागत है कवि इंदु जी, हमारे साथ एक और उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी से है। मिलते हैं उनसे, आपको रूबरू कराते हैं, आपकी पहचान कराते हैं। मैम स्वागत है आपका कवि इंदु जी में, छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। रेणु वर्मा जी, वार्ड नंबर 26 कहाँ का लगता है? गांधीग्राम जी। आप भी वहीं के प्रस्तावक हैं, आप उनके आपसे बात करना ज्यादा सुलभ रहेगा मेरे। समाजवादी पार्टी जिसमें मुख्य विपक्षी दल है और हमेशा भी भाजपा से थोड़ा सा टकराव करती हुई नजर आ रही है, तो क्या लुभाने के वादे लेके जाएंगे आप? क्योंकि वादे ही होते हैं, लुभावने वाले होते हैं, आश्वासन क्या लेके जाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं और आपको मैं बता दूं, देखिए ये भाजपा की नीतियों का विफलता का कारण है और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संघर्ष जो कार्य किया है, विकास कार्य किए हैं, ठीक है, इससे पहले आज वही विकास कार्य दिख रहा है। भाजपा सरकार में कोई भी एक कार्य नहीं किया ऐसा जो जनता के हित में रहा हो। आप अपने वार्ड में क्या करेंगे? हमारे वार्ड में मैं दो बार से पार्षद रहा हूँ, अर्जंता नगर से। अच्छा। और पार्षद रहा हूँ वार्ड 28 अर्जंता नगर से, और जो मैंने विकास कार्य किया है अपने वार्ड में आज वो देखने योग्य है। जो मैंने किया वही कार्य आज तक है, इससे पहले जो पूर्व में रहे नंदू शुक्ला जी, उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। जो मैंने कार्य किया था आज वही कार्य है। इस वार्ड में ऐसा क्या कुछ परिवर्तन करने? इस वार्ड में परिवर्तन ये करना चाहते हैं कि वहाँ पर जो लोग भी वहाँ पे चुन करके गए हैं, उन्होंने केवल उनके पास अपने लिए समय रहा है और जनता के लिए उनके पास समय नहीं रहा है। आज ये व्यवस्था है कि आज खुले नाले पड़े हैं, सिवेज व्यवस्था खराब है, सड़कें खराब हैं और लोगों को उनके द्वारा किसी प्रकार कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जिससे जनता को कहीं पर किसी बात की कोई राहत मिली होती या उनको कोई सुविधा मिली होती। वहाँ केवल सिर्फ वो अपने लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करते। आज उसकी विफलता कारण ये है कि आज भाई रेणु वर्मा जो पार्षद है वहाँ से, वार्ड 26 गांधीग्राम से, इसीलिए जनता ने उनको पूर्ण समर्थन दिया है। और ये पूरे रोष में कह सकता हूँ कि जो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरह संघर्ष किया, आपने देखा होगा, अभी जो भी कांड हुआ है जिंदा माँ बेटी चली थी, अब उसको देखा होगा आपने, जो है अभी जो अभी हाल में जो कांड हुआ उसको आपने देखा होगा, अतीत को लेकर के देखा होगा। कोई मिला के ये जो है संविधान को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। हम उस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संघर्ष करती रहे। आप महिला हैं और जीतती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि पहले से बताना पड़ेगा कि क्या कहें। महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ काम करेंगे, आपकी प्राथमिकताओं में। जी जी जी, तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आप लड़े और जीते, अच्छे वोटों से जीते। आपके पार्टी का नाम ही है, काम ही है कि काम बोलता है, स्लोगन ही है आपका, उसी तरह से आप विकास करें। ये हमारे साथ रेणु वर्मा जी थी और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कवि न्यूज के साथ। नमस्कार।